राजस्थान में कांग्रेस बहुमत की तरफ, सचिन पायलट और गहलोत में सीएम पद को लेकर तकरार, सचिन पायलट को गहलोत के पक्ष में मनाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया बीजेपी का सुपड़ा साफ, मुख्यमंत्री पद की होड़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के करीब, बीजेपी लगातार दे रही है टक्कर, निर्दलीय को अपने पक्ष में लाने के लिए दोनों दलों ने लगाया जोर। तेलंगाना में केसीआर का जलवा रहा बरकरार, स्पष्ट बहुमत से टीआरएस का सरकार बनाना तय, कांग्रेस नायडू गठबंधन का नहीं दिखा सका। पीएम मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बिखरा, थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक, एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई हार पर मंथन संभव। नमस्कार, स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। आप देख रहे हैं इस वक्त सेमीफाइनल 2019 में, हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। अहम और बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, जहां कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हुई है। बैठक में राज्य प्रभारी से सचिन पायलट की मुलाकात, और इस वक्त आपको बता दें बैठक में अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इससे पहले जब रुझान सामने आ रहे थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक एक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा कि राहुल गांधी ही तय करेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष ही तय करेंगे कि आखिरकार राज्य का सीएम कौन होगा। गहलोत पायलट के बीच में तकरार दूर करने की कवायद देखी जा रही है, इसको शुरू कर दिया गया है। जीत के बाद पायलट गहलोत एक साथ नजर आए, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें जब मीडिया से मुखातिब होते हुए जब दोनों पहुंचे तो एक साथ पोज देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राज्य प्रभारी से सचिन पायलट ने मुलाकात की, हालांकि इस बीच खबर मिल रही थी कि सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत को प्रबल दावेदार माना जा रहा है सीएम पद का, और इस बीच उनको मनाने की कोशिश के तहत ये भी कहा गया कि अहमद पटेल उनसे मिलने के लिए पहुंच गए हैं। जीत के बाद पायलट गहलोत एक साथ नजर आए, इस बात को दरकिनार करते हुए कि ऐसी कोई तनातनी की खबरें सामने आ सकती हैं। जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक जारी, और आपको ये बता दें कि कल भी 11 बजे के बाद कांग्रेस के विधायकों की अहम बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद होंगे। उनके साथ बड़े दावेदार के तौर पर उभरे सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी मीटिंग का हिस्सा होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जीत के बाद पायलट गहलोत एक साथ, और हमारे संवाददाता संजय वर्मा इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए। संजय, पहले खबर मिल रही थी कि अहमद पटेल सचिन पायलट को मनाने के विच में गए हैं, और क्योंकि नाराज चल रहे हैं वो अशोक गहलोत के पक्ष में, उनको मनाने की कोशिश है। अब खबर आ रही है कि दोनों एक साथ नजर आए और एक खुशी देखी जा रही है दोनों के चेहरे पर। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह से सचिन पायलट का बॉडी लैंग्वेज था वो सुबह से बदला हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में थी कि अशोक गहलोत को राजस्थान की कमान सौंपी जाए, पर अंत में हुआ ही वो कि अशोक गहलोत को राहुल गांधी की तरफ से अभी घोषित तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन मोटा मोटी तौर पर अशोक गहलोत ही इस बार राजस्थान के फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस बात से लेकर सचिन पायलट नाराज थे, उस बात को उनको मनाने के लिए अहमद पटेल को भेजा गया, और लेकिन उससे अशोक गहलोत सचिन पायलट दोनों साथ दिखाई दिए पार्टी की मीटिंग में, और उन्होंने विक्ट्री का साइन भी दिखाया लोगों को, और ये मैसेज देने की कोशिश की कहीं ना कहीं कोई झगड़े की बात नहीं है पार्टी में, जिससे कार्यकर्ता और आम आदमी में कोई मैसेज पार्टी की तरफ से गलत ना जाए। संजय, इस बात का इशारा कब मिला कि अशोक गहलोत को एक प्रबल दावेदार के तौर पर पार्टी उभार रही है? बिल्कुल, अशोक गहलोत निश्चित तौर पर राजस्थान में हमेशा कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और कई जगह तो अशोक गहलोत को गांधी के रूप में भी देखा जाता है, बोला भी जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस का गांधी अशोक गहलोत है, तो उनकी एक छवि है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, तो वह छवि गहलोत की है, और कांग्रेस उस छवि को 2019 के चुनाव में भुनाना चाहती है, क्योंकि 2019 का चुनाव राजस्थान
क्या पूरे देश में महत्वपूर्ण है और ये चुनाव सेमीफाइनल है, तो उसके लिए सचिन पायलट को संगठन का काम भी ना खराब हो, इसलिए शायद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कांग्रेस नहीं सौंपना चाहती, खासकर राहुल गांधी नहीं सौंपना चाहते जिससे संगठन में कोई गड़बड़ पैदा हो। इसीलिए अशोक गहलोत को इस बार कांग्रेस फिर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी के पूरी जिस तरह से मैसेज आ रहा है कि राहुल गांधी फिर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहते हैं राजस्थान में। अभी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद सारी चीजें तय होंगी, उसमें भी थोड़ा वक्त है, दो तीन दिन का, और जब पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। नक्शी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, लगातार जुड़ते रहिए हमारे साथ अपडेट्स के साथ। और इस वक्त आपको बता दें, हम खबर जयपुर में कांग्रेस की हम बैठक शुरू हुई, बैठक में जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि राज्य में राज्य प्रभारी से सचिन पायलट की मुलाकात हुई, बैठक में अशोक गहलोत भी पहुंचे और थोड़ी देर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी, आपका स्वागत है सूर्य समाचार पर। जिस तरीके से खबर अभी सामने आई, आपने देखा ये बड़ी खबर इस वक्त की है, इसीलिए माननी चाह रही क्योंकि दो प्रबल दावेदारों के तौर पर लगातार जब चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब फिलहाल मुहर लगती है अशोक गहलोत के चेहरे पर नजर आ रही है। क्या समझा जाए कि मिश्रा जी, जिस तरीके से हमेशा जो कांग्रेस है युवा राजनीति की बात करती है, युवा चेहरों को प्रमोट करने की बात करती है, लेकिन अब फिलहाल जो है तजुर्बे को प्राथमिकता दी जा रही है यहाँ पर? मैम देखिए, आपने सही बोला है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी पार्टी में इंटरनल कॉम्पिटिशन भी होता है कि दो नेताओं या दो से ज़्यादा नेताओं में भी एक कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन अगर स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी इनको इमेज भी बनानी है कांग्रेस की, ये किसी भी तरीके से यह नहीं बोलना चाहते हैं कि हमारे पार्टी में इंटरनल मैनेजमेंट नहीं है। 2019 के इलेक्शंस को अगर आप देखेंगे तो अभी पार्टी में अगर दरार पड़ती है तो ये भी एक गलत मैसेज आएगा। डेफिनेटली भारतीय समाज, भारतीय मतदाता अभी भी मैच्योरिटी को, एक्सपीरियंस को, देखिए हम लोगों के घरों में बोला जाता है बड़े हैं, क्वालिटी चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करो, उनको पहला स्थान मिले। तो ये तो बहुत ही मतलब ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जो दो मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इसमें मुझे कोई इशू नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। इसमें सिंपल और सिंपल अशोक गहलोत जो हर तरीके से एक्सपीरियंस में राजस्थान का अगर देखा जाए, और चूंकि देखिए सरकार बनने के बाद ये भी सबसे बड़ी चुनौती है कि 4-6 महीने का टाइम है, इसी में इनको सारे मैजिक दिखाने हैं, तो एक नए आदमी के हाथ में कमान दे करके कोई भी पार्टी, मतलब अनएक्सपीरियंस आदमी के हाथ में कमान दे करके ट्रायल एंड एरर बेसिस पे इतने बड़े स्टेट के गवर्नमेंट को नहीं चलाना चाहेगी, जबकि 2019 का मेन है, तो उसके लिए अशोक गहलोत हर क्राइटेरिया से फिट बैठते हैं। और अभी आपने बताया, अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, 10 मिनट के भीतर वो डिस्प्यूट सॉल्व होने का भी आ गया कि राहुल गांधी जी का मैसेज आ गया कि अशोक गहलोत जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इट इज नॉट ए डिस्प्यूट एट ऑल। ठीक है, तो आपने कहा कि डिस्प्यूट की तरह तो नजर नहीं आता क्योंकि सुलझा लिया गया एक तरीके से, साथ मीडिया के सामने आए तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। हालांकि इस वक्त जो मजबूत स्थिति जीत को लेकर है, जीत जिस तरीके से पुख्ता की है पार्टी ने, एक कड़ी कांटे की टक्कर दी, लेकिन जीत आखिरकार कांग्रेस के पाले में, क्या वजह अगर आंका जाए कि हार के क्या मुख्य कारण होंगे राजस्थान में और जीत के क्या मुख्य कारण होंगे कांग्रेस के पक्ष में? क्या राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो राज्य के मुद्दे हावी हो गए, बड़े दिग्गज चेहरे फेल साबित हो गए क्योंकि मोदी अमित शाह जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में उतरे, योगी आदित्यनाथ को भी उतारा गया? ये बड़ा जीनियस क्वेश्चन है और डिस्कशन वाकई में इस पे होना चाहिए। देखिए, मैं लगातार ये बोलता जा रहा था कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये सब कांटे की टक्कर होगी, बॉर्डर लाइन का केस है। देखिए, बॉर्डर लाइन का केस होने का मतलब है जहां बहुत जबरदस्त क्लियर कट मैंडेट नहीं है, इसका मतलब है कि पब्लिक ना तो पक्ष से खुश है ना विपक्ष से, अगर किसी एक से खुश होती तो वो बहुत क्लीन स्वीप टाइप का होता। गुजरात इलेक्शन के बाद ही मैंने बोला था कि बीजेपी का जो क्लीन स्वीप का ट्रेंड है वो खत्म हो गया, उसके बाद ये यही रहा, ये क्लीन स्वीप नहीं कर पा रहे। अब देखिए, पॉलिटिक्स में होता क्या है, चूंकि आप सत्ता में है नहीं जो विपक्ष का, तो आपके पास कुछ कर दिखाने के लिए मौका तो है नहीं, कोई पॉलिसी बना नहीं सकते, आपका एक ही काम है कि आप जो पार्टी पक्ष में है आप उसको जो है उसकी कारगुजारियों को उजागर करिए, उनकी नाकामियों को उजागर करिए। तो अगर विपक्ष जीतता है तो इसका मतलब है उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है कि सत्ता पक्ष का फेल्योर, और यही चीज यहां पे कांग्रेस को बेनिफिट मिला। 2014 में बीजेपी सेंट्रल में नहीं थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की कमियों को उजागर किया, बहुत अच्छे तरीके से कैंपेनिंग की और एक ऑप्शन रखा पब्लिक के सामने कि हम आएंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, वो चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे जो हो। यही चीज, यही फैक्टर आज की डेट में कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, पहला ये। दूसरा मेन रीजन ये रहा, देखिए
बीजेपी का क्या हुआ, लगातार चार साल में एक फॉर्मूला होता है नेचुरल सा, नेचुरल वियर एंड टियर भाई, हर आदमी हर चीज एक टाइम के बाद अपना अट्रैक्शन खोता है। बिल्कुल, सेम वादे हैं, सेम मुद्दे हैं, सारी चीजें बीजेपी की सेम है, आप उसी को बार बार हर इलेक्शन में बोलते जा रहे हैं। साल दो साल तक जो आपने जो बाइंडिंग करके रखी थी, जो एक बॉन्ड था वोटर के साथ, जो एक थ्रिलिंग आपने पैदा करके रखा था, उसके बाद वो बॉन्ड वीक होना शुरू हुआ। जब वो वीक होना शुरू हुआ तो सबसे पहला असर आपको इसका दिखा गुजरात में, जहां लगातार पिछले 26 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहां पे भी वो बॉर्डर लाइन पे आ गए। तो दूसरा मेन रीजन ये है कि मोनोटोनस नेचर जो पब्लिक का होता है, पब्लिक वाकई में बीजेपी से भी, इनके वादे वादे रह जाते थे, बड़े बड़े वादे थे, हकीकत में उतना दिख नहीं रहा था। तीसरा सबसे बड़ा रीजन अगर मैं राजस्थान के लिए देखूं, यहाँ पे बीजेपी अपने आप में बहुत सुसंगठित पार्टी है, बहुत मैनेज्ड है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का जो कॉन्फ्लिक्ट की खबर आ रही थी, तो पार्टी की जो अंदर के थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट था, वो उसके कारण जो है ये जाकर के बॉर्डर लाइन पे, मतलब जीत के पास होते होते हुए भी ये हार गए। तो ये तीन चार ऐसे रीजन थे जहां पे कि पब्लिक वाकई में अब की बार चेंज चाहती थी, क्योंकि पब्लिक एक तरीके से ऊब गई, मोनोटोनस नेचर, वही बातें बार बार सुनना। जितने बड़े बड़े कमिटमेंट इन्होंने किए थे, जैसे 15 लाख रुपए देना, भले ही आपने सपने दिखाए, साल दो साल तीन साल आपने मैनेज कर लिया। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन, मोदी गवर्नमेंट ने किया क्या, ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया, जिसके कारण कि ये जो योजनाएं इन्होंने बनाई उसको ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करना और उसका रिजल्ट आए ताकि पब्लिक उसको फील करे। देखिए सारी योजनाएं, आप खाता खुलवाइए बैंक में, खाता ही खुलता रह गया, ये सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे उतना जो है इम्पैक्ट पब्लिक को ये कन्विंस नहीं कर पाए, तो इससे भी पब्लिक को ये लगा कि इनकी बातें ज्यादा हैं और रियल में रिजल्ट कम है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जहां पे पब्लिक ने ये सोचा स्टेट लेवल पे कि अब किसी दूसरे को जो है मौका दिया जाए। तो एके मिश्रा जी, जिस तरीके से राजस्थान में भी हमने लगातार खबरें दिखाई, ग्राउंड रियलिटी जो देखने को मिली कि सीएम जिस तरीके से विरोध का सामना कर रहे थे या कर रही थी, मध्य प्रदेश की भी हम बात कर रहे हैं इस वक्त, शिवराज सिंह चौहान को भी, उनके बेटे कार्तिक को भी विरोध का सामना करना पड़ा। जनता उन्हें बैरन वापस लौटाना चाहती थी, क्योंकि मुद्दे यही थे कि जमीनी मुद्दे, मूलभूत सुविधाएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, बैंक खाते खुलवाना, स्वच्छ भारत अभियान या तमाम तरह की जो योजनाएं लेकर आए, उसका जमीनी स्तर पर मूल्यांकन नहीं कर पाए। देखिए मैम, होता क्या है, जब कोई गवर्नमेंट या कोई आदमी कोई योजना लॉन्च करती है ना, तो टारगेट केवल ये नहीं होना चाहिए कि योजना की घोषणा आपने टीवी पे कर दी, सारा आपने बता दिया कि ये फायदा होगा, असली उसका पर्पज ये होता है कि पब्लिक तक पहुंचे और पब्लिक उसको रियलाइज करे। देखिए अब इन्होंने ज्यादातर क्या किया कि गुजरात इलेक्शन के बाद, मैंने बोला था कि ये विकास का मुद्दा नहीं उठाएंगे, गुजरात इलेक्शन के बाद विकास के मुद्दे को इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, ये इमोशनल पोजीशनिंग पे चले गए, धर्म के नाम पे कहीं पे भी। लेकिन देखिए योगी जी को भी सारे इलेक्शन में लेके जाया गया, वो योगी फैक्टर भी नहीं चला कि क्लीन स्वीप दे दे या इवन विक्ट्री भी मेंटेन कर ले। मोदी जी भी अपने आप में ब्रांड थे, वो भी शायद फेल हो गया, तभी रिजल्ट ऐसे आए हैं। तो केवल और केवल इमोशनल पोजीशनिंग करके, देखिए आदमी का भी एक पेशेंस लेवल होता है, एक मिनिमम ब्रेक थ्रो लेवल होता है, पब्लिक वहां पे पहुंच गई थी और ठीक है 100% नहीं पहुंची थी, लेकिन एक स्मॉल ग्रुप भी पहुंच गया था, जिसके कारण ये सारे के सारे रिजल्ट बॉर्डर लाइन पे जाकर के रुक गए। ऐसा नहीं है कि सारे लोग एकदम अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन जो बीजेपी के फेवर में थे कुछ परसेंट, 5% नॉर्मल ये रेशियो होता है, वो अगेंस्ट हो गए। कांग्रेस का अपना हार्डकोर बैंक है, बीजेपी का अपना, 5% इधर से उधर हुए, तो ये सारा रिजल्ट जाके बॉर्डर लाइन पे रुक गया। यही हुआ इन इलेक्शंस में, एक्सेप्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखिए क्या है, जोगी जी पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के चेहरा थे, उन्होंने और बीएसपी ने मिल करके बीजेपी को इस लेवल पे ले जाकर के पहुंचा दिया कि वहां एक तरीके से पूरा इनका साफ हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एक चीज ये भी पता चलता है कि केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़े आप ऐसे मुद्दे, देखिए मुद्दे भी आपके ऐसे हों जो डे टू डे लाइफ में पब्लिक को फायदा पहुंचाए, रिलैक्स दे। आप बोलेंगे कि हम भारत को 5 साल में विश्व गुरु बना देंगे, शुरू में अच्छा लगता है उसको, उन्होंने वोट में इनकैश किया, लेकिन कितने दिनों तक आप ऐसा कर पाएंगे, 5 साल में पॉसिबल ही नहीं है। 15 लाख रुपए दे देंगे, जो चीजें इम्पॉसिबल है उसको, देखिए काठ की हाड़ी को बार बार नहीं चढ़ाया जाता है। देखिए मिश्रा जी, इस वक्त ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सीट से जीते नजर आए, अब क्या कुछ बयान दे रहे हैं वो सुनते एक बार। एंड यू शुड स्टॉप यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, पीपल ऑफ हैदराबाद, पीपल ऑफ तेलंगाना हैव रिजेक्टेड योर बेसलेस पैथेटिक एलिगेशंस वेरिन यू कॉल्ड टीआरएस अ बी टीम एंड एमआईएम अ सी टीम। आई होप दैट मिस्टर राहुल गांधी वुड डू सम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन and see that what he and his party is not able to do, we have done it in Telangana. Important leaders of BJP have lost elections. Important leaders of Congress have lost elections. That has not been the case in Madhya Pradesh or in Rajasthan. So Mr. Rahul Gandhi, you should open your eyes and see
that how people of Telangana not only believe in composite culture, not only believed in Ganga Jamuni Tehzeeb, but we implemented on the ground by defeating BJP, by defeating your party candidates. And that is why I say that this nation requires Chandrasekhar Rao to play a very, very important role at national level. And I'm pretty much sure that with the talent, with the political sagacity he has, he will be able to galvanize all non-Congress, non-BJP parties, and he will play a very, very important role, a crucial role in bringing a non-Congress, non-BJP government. My best wishes to him. तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो चुनाव जीतने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए एक तरीके से नसीहत देते नजर आए बीजेपी को कि जात पात की राजनीति छोड़कर अगर अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता तो शायद ये जीत उनके नाम होती है। और इनके साथ ही आपको बता दें कि उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी सीट से अपने मत को स्वीकार लिया है। बढ़ते आगे तेलंगाना विधानसभा की बात करते हैं, जहाँ चुनाव में TRS ने शानदार वापसी की है। यहाँ पर सभी सीटों 119 के रुझान आ चुके हैं और अब तक के रुझानों के मुताबिक TRS 87 सीटों पर आगे है। यह आंकड़ा 2/3 बहुमत से भी ज्यादा है। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं सीएम के चंद्रशेखर राव गजवेल सीट से 51,551 वोट से चुनाव जीत गए हैं। और इस जीत के बाद चंद्रशेखर राव पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उधर TRS कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, लोग नाच गाकर और दूसरों के बीच मिठाई बांटकर जीत की खुशी का इजहार कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है TRS कार्यकर्ताओं में जश्न का किस कदर माहौल है। ढोल नगाड़ों के बीच नाच गाकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर आज के दिन को जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में TRS ने शानदार वापसी की है। यहां सभी 119 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अब तक के रुझानों के मुताबिक TRS 87 सीटों पर आगे चल रही है। तो हमारे साथ AK मिश्रा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट जुड़े हुए चर्चा में। AK मिश्रा जी, हम बात कर रहे थे राजस्थान की, राजस्थान में हार का आकलन, जीत का श्रेय किसको जाता है, इस पर हमने चर्चा की। लेकिन अब हम बात करें अगर तेलंगाना की, तेलंगाना विधानसभा में जिस तरीके से चुनाव में TRS ने शानदार वापसी की है, सभी सीट 119 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें TRS सबसे ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। लेकिन एक टक्कर देखने को मिली थी, उम्मीद जताई जा रही थी कि JDS कांग्रेस का गठबंधन एक टक्कर दे सकता है, हालांकि थोड़ा सा पीछे जरूर आ। मैम देखिए, मैं आपको बताऊं, इंडिया जो है डाइवर्स कल्चर और बिलीव्स जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा कल्चर और ये सब बिलीव्स वगैरह डाइवर्स है। साउथ और नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पॉलिटिकल थॉट भी डिफरेंट है। ना तो कांग्रेस ना तो बीजेपी साउथ इंडिया के लिए कोई एक परफेक्ट लीडर जो अकेले पूरे साउथ इंडिया में अपना इम्पैक्ट डाले, ये डेवलप नहीं कर पाए हैं। यही रीजन है कि बड़ा नेचुरल सा रीजन था कि TRS का, पहले भी मैंने बोला था कि उनकी पोजीशन जो है बरकरार रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी खुद भी अपने कैंपेन में ये होपफुल नहीं थे, ये ऑलरेडी मान के चल रहे थे कि वहाँ जो है हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट देने वाली, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी असदुद्दीन ओवैसी जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बड़ी खास बात बोली कि हम जो वहां के मुख्यमंत्री हैं राव साहब, हम उनको बोलेंगे कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक अलायंस बनाएं। यानी अब पूरे देश की 2019 का इलेक्शन एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है, एक थर्ड पार्टी का ऑप्शन इन्होंने दिया। कंपोजिट कल्चर का जिक्र कर रहे थे, नहीं कल्चर कंपोजिट है, लेकिन उन्होंने एक जो ऑप्शन दिया कि अभी तक ऑप्शन ये था कि या तो कांग्रेस प्लस होगा और बीजेपी प्लस में टक्कर होगी जो महागठबंधन की बात है, तीसरे एक महागठबंधन का ऑप्शन इन्होंने खोल दिया है जिसके हेड ये जो है राव साहब को बनाना चाहते हैं। अब देखिए, इसका दो चीज होगा। कतिपय कुछ लोग ये बोलते हैं कि ओवैसी साहब जो है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब अगर राव साहब ने कोई एक थर्ड मोर्चा बनाया तो इसका बीजेपी को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कांग्रेस का जो मोर्चा बनाने का प्लान है, कि गठबंधन का लीडर बनने का प्लान है, उसको बहुत जोर से झटका लगेगा। ये अभी से गेम प्लान, स्ट्रेटजिक गेम प्लान शुरू हो गया है। अगर ये तीसरा कोई मोर्चा बनता है तो विपक्ष के कुछ लोग सोचेंगे मैं कांग्रेस के साथ जाऊं कि उनके साथ जाऊं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 2019 के इलेक्शन के लिए कांग्रेस को कमजोर करने का भी इनडायरेक्ट वे में जो मुझे मैसेज जाता है। क्योंकि देखिए, राव साहब या ओवैसी साहब ऐसे नहीं है कि अभी तो दो धड़े ही हैं, मतलब बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के ही दो टीम में पूरी बटी हुई है। ऑल ऑफ सडन राव साहब ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, तो ऑल ऑफ सडन इतने बड़े पूरे कंट्री लेवल पे एक तीसरा मोर्चा या थर्ड फ्रंट दे देना, उसकी उपयोगिता मुझे नहीं लगती है। लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो इसका लॉस जो है कांग्रेस प्लस को होगा और बेनिफिट बीजेपी को होगा।
ये पॉइंट ध्यान देने योग्य बात है कि एक नया तीर, नया स्ट्रेटजिक तीर जो है 2019 के इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया है। एक सवाल यहाँ जरूर उठता है कि आखिरकार बीजेपी का अस्तित्व पूरे तेलंगाना चुनाव में कहाँ था, क्या वजूद दिखा? क्योंकि ये माना जा रहा है महज एक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश हुई रैलियां कर मात्र से, और क्योंकि योगी आदित्यनाथ उठ रहे थे, फायर ब्रांड नेता कहलाए जाते हैं बीजेपी के, एक हिंदुत्व की छवि को भी मजबूत करने की कोशिश हुई, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? मैम देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये पहले से भी जानते थे, साउथ इंडिया में एक दो स्टेट को छोड़ के, आप चेन्नई वगैरह देखिए, इन सब स्टेट, इस तमिलनाडु वगैरह में देखिए, तो बीजेपी की कंडीशन बहुत जो है खराब है अभी भी, मतलब ओपनिंग टाइप का भी ये नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि जो कल्चरल डिफरेंस है ना, बीजेपी के सारे नेता देखिए हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, साउथ इंडिया से ना बीजेपी और कांग्रेस में पहले थे, लेकिन अभी ये साउथ इंडिया से ऐसी कोई कैरिज्मेटिक लीडर या लीडरशिप या पर्सनालिटी ये डेवलप ही नहीं कर पाए कि योगी जी या मोदी जी या राहुल गांधी जी, उसी का ये खामियाजा है। अच्छा, इन लोगों को लैंग्वेज बैरियर भी आता है, कल्चर बैरियर भी होता है, तो वहां के लोगों को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। जब तक साउथ इंडिया को एक सेपरेट टेरिटरी जो है मान करके उसके हिसाब से ये पॉलिटिकल तैयारी नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों की हालत यही रहेगी, जैसे 3-4 सीट अभी बीजेपी का है। तो ये पहले जानते थे, इन्होंने जाके एक इफर्ट डाला था कि एक ऐसा ना लगे, अगर ये बिल्कुल भी नहीं जाते तो मीडिया में सब लोग ये बोलते कि भाई लड़ने के पहले ही इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिया। तो इस चीज को छुपाने के लिए वहां पे योगी जी को, इसीलिए योगी जी जाके उन्होंने सीरियसली कोई बात नहीं की, केवल ओवैसी के खिलाफ दिया कि अगर ये बनेंगे तो यहां से इनको भागना पड़ेगा, एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। चलिए तो वापस लौटेंगे इस चर्चा पर, लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि मिजोरम विधानसभा चुनाव की भी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। इसी के साथ एमएनएफ जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बना रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पी ललथनभमला साउथ और सेशिप दोनों ही सीटों से चुनाव हार गए हैं। 10 साल के बाद एमएनएफ फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। एमएनएफ कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, लोग मिठाई बांटकर नाच गाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। 10 साल बाद फिर से वापसी, जीत की राह बिल्कुल आसान है, तस्वीर साफ यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर भी, जो तेलंगाना चुनाव के बाद मिजोरम विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ होती नजर आई। एमएनएफ जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बना रही। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पी ललथनभमला साउथ और सेशिप दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस की हार को, एक मिश्रा जी, आप यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी तो खैर यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कॉम्पिटिशन। देखिए, बीजेपी ने मेरे ख्याल से वो फोकस भी नहीं किया था, ये कांग्रेस के लिए डेंट है। देखिए, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, एक तरफ ये गेन करते हैं तो दूसरी तरफ ये लूज करते जा रहे हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत जो है दुविधा वाली स्थिति है। हालांकि मेजर स्टेट्स को इन्होंने विन किया, जैसे हिंदी भाषी, क्योंकि आप ये देखिए ज्यादातर तो 2019 का इलेक्शन इन्हीं सब स्टेट यूपी वगैरह से डिसाइड होता है। तो लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने भी वहाँ कोई बहुत अच्छा फोकस नहीं किया। उसका भी रीजन है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से वहाँ का कल्चर लैंग्वेज अलग है, तो सेम प्रॉब्लम आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि उतना इम्पैक्ट नहीं था। उसका रीजन ये है कि जो डिफरेंट लैंग्वेज वाले जो कल्चर है वहाँ पे लीडरशिप इनकी कमजोर हो रही है, और दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी और इन दोनों को, जो नहीं खाता खोल पाए या हार गए बुरी तरीके से, एक पूरा रिवाइव करने का, एक पूरा अलग तरीके से वहाँ पे पार्टी को खड़ा करना जो उस कल्चर को सूट करता हो, उसके परसेप्शन के हिसाब से हो, तभी जा करके ये वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। मैम जी, तो जिस तरीके से कि मिश्रा जी आपने राजस्थान चुनाव का भी जिक्र किया, आपने बताया कि वसुंधरा राजे को लेकर भी एक कश्मकश की स्थिति थी, हालांकि ये बात कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट की बात जानते थे प्रधानमंत्री मोदी, और क्या ये माना जाए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन वो जानते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, क्यों नहीं सीएम पद का दावेदार जो है बीजेपी की ओर से दूसरा चेहरा सामने आया जो वसुंधरा राजे के अगेंस्ट लड़ सकता था, क्या चेहरों की कमी थी? देखिए, नहीं, ये प्रॉब्लम दोनों पार्टियों के साथ थी। आप कांग्रेस में भी देखिए तो दो दावेदार थे सीएम के, ऐसे ही आप बीजेपी में देखिए तो बीजेपी को भी पता था कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है वसुंधरा राजे मैम के साथ। अब देखिए, इलेक्शन के पहले अगर दोनों पार्टी किसी सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर देते, इन्होंने वसुंधरा राजे को भी डिक्लेयर नहीं किया, तो डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता। कोई भी धड़ा जो इनके अगेंस्ट था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो वो कुछ ना कुछ बोलते, तो उससे क्या होता, जो वोटर्स हैं उनकी साइकोलॉजी पे एक असर पड़ता कि भाई वोटिंग के पहले ही इन लोगों में देखिए ये सब चीजें शुरू हो गई। तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए दोनों पार्टियों ने बुद्धिमानी का परिचय दिया, जो उन्होंने किसी को भी सीएम का चेहरा वो नहीं किया,
केवल एक कंबाइंड वे में इधर मोदी और योगी जी के चेहरे को यूज किया गया कैंपेन करने के लिए, उधर राहुल गांधी प्लस आप ये देखिए गहलोत जी और सचिन पायलट को। और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी दोनों पार्टियों की कि भाई पहले मैदान मार लिया जाए, टास्क को कंप्लीट कर लिया जाए, फिर उसके बाद राजा कौन होगा ये तो दो मिनट में डिसाइड हो सकता है। देखिए बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक हो सकता था मेरे ख्याल से, बीजेपी ने ये सोचा कि अगर वसुंधरा राजे को अभी हटाएंगे तो डेंट होगा, एक बार इलेक्शन जीत ले तो उसके बाद वसुंधरा राजे को सेंटर में बुला के या कहीं ऑप्शन दे सकते थे और किसी और को एज ए सीएम की तरह ला सकते थे, लेकिन वो ख्वाब शायद पूरा नहीं हो पाया। तो वसुंधरा राजे का कैरियर, उनके कैरियर पे भी बहुत बड़ा ये डेंट लगा। मुझे अब लगता है कि शायद सेंटर में भी पहुंचना उनके लिए मुश्किल होगा अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है मोदी वर्सेस वसुंधरा राजे की, तो सेंटर में भी शायद उनको पोजीशन मिलना मुश्किल होगा। तो विधानसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक भी वोट पूरे नहीं किए, एक भी वादे पूरे नहीं किया, लोगों को सिर्फ कांग्रेस से ही उम्मीद है। क्या बयान है, क्या कहते नजर आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, सुना जाए। वक्त दिखाई नहीं देता साहब, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है, और वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादों को वजीर बना दे और कभी जरा सी गलती पे शहजादों को फकीर बना दे। इनकी जरा सी गलतियां नहीं, इनके जो वायदे थे बड़े बड़े वायदे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, वो ढेर हो गए हैं और वो फेल हो गए हैं। और आज एक नई उम्मीद बन के, एक नया सूर्य, जहां पतझड़ है वहां बहार है, याद रखिएगा ये कुदरत की नियति है, जहां अस्त है वहां उदय है। रात जितनी काली और अंधेरी होती है सितारा उतना ही चमकता है, और राहुल गांधी वही हैं, और सितारे भी नहीं, मैं चंद्रमा और तारे तारामंडल में कितनी बड़ाई हाँके, लेकिन जब सूर्य उदय होता है ना तो सब अस्त हो जाते हैं। एके मिश्रा जी, बयान आ रहे हैं जिस तरीके से लगातार हम बात करते हैं अगर केजरीवाल की, ममता बनर्जी की और ओवैसी की, जिस तरीके से उन्होंने एक नसीहत दी है कि अपनी रणनीतियों में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। साथ ही अगर हम केजरीवाल और ममता बनर्जी का जिक्र करें, एक प्रमुख विपक्षी चेहरे हैं, ये तंज कस रहे हैं बीजेपी पर, साफ कह रहे हैं कि बीजेपी काल का जो है वो अंत होता नजर आ रहा है और इसी की शुरुआत अब हो गई है, मुझे ये दिखाई देता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, गुजरात इलेक्शन के बाद ही ये मुझे नजर आने लगा था, ये ऑन द रिकॉर्ड है। देखिए मैं आपको बताऊं अंत क्यों नजर आ रहा है, इसको भी समझ लीजिए, ऐसे नहीं कि किसी इमोशनल उसमें आकर के हम लोग बोल रहे हैं। देखिए है क्या, बीजेपी के पास जितने मुद्दे थे, ग्रोथ का मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया गुजरात इलेक्शन के बाद, मैंने बोला था कि अब ये विकास के मुद्दे की बात नहीं करेंगे, जब ये बॉर्डर पे आए गुजरात इलेक्शन के बाद विकास के मुद्दे को इन्होंने टच नहीं किया। जितने इनके और इमोशनल थे, राम मंदिर का आप देख लीजिए, भारत को विश्व गुरु बनाने का, हिंदू मुस्लिम गाय वगैरह, सारे मुद्दे तो उन्होंने यूज कर लिए, दिस इज वन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनके पास जो सबसे बड़े चेहरे थे, स्टार प्रचारक थे, वो मोदी जी थे, उसके बाद इन्होंने योगी जी को पैदा किया। आप देखिए बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट क्या होगा, ये चुनाव हार गए या जीतेंगे मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं, बीजेपी को जो सबसे बड़ा डेंट लगेगा जिसकी ये भरपाई नहीं कर पाएंगे ना, मोदी ब्रांड बनाने में इन्होंने 4-5 साल खत्म कर दिए, उसके बाद मोदी जैसे एक ब्रांड बन के उभरे थे और जिसके भरोसे ये 2019 की भी नैया पार करना चाहते थे। अब मोदी ब्रांड भी वीक हो गया, अगर ये 2-3 इलेक्शन में हार गए तो अब क्या मुंह लेकर के आप जाएंगे, आपने मोदी ब्रांड का तो यूज किया ना यहाँ पे। योगी ब्रांड को इन्होंने उभारना चाहा कट्टर हिंदुत्व को लेकर के, राम मंदिर, इन सब मुद्दों को लेकर, लेकिन या तो इनकी ओवर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग हो गई या अंडर पोजीशनिंग हो गई, जिसके कारण ना योगी ब्रांड काम कर पाया इन इलेक्शन में, ना मोदी ब्रांड। तो इनके पास दो ब्रांड थे, दो धुरंधर थे। अब देखिए टाइम बचा है केवल 6 महीने का, 6 महीने में आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि किसी और नेता को मोदी जैसा पावरफुल ब्रांड बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, 2019 में अगर मोदी और योगी जाते हैं तो मुद्दे इन्होंने सारे यूज कर लिए हैं, कोई नया मुद्दा ये जल्दी ला नहीं सकते हैं, कुछ मुद्दे हैं, अरे वही राम मंदिर, वही सारी चीजें आप बार बार कब तक करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसकी भरपाई करना, चूंकि ये 6 महीने में कोई नया प्रभावशाली ब्रांड बना नहीं पाएंगे, तो ये 2019 का जो इलेक्शन है ना बड़ा हौच-पौच वाला जाने वाला है। मुझे लगता है कि 2019 के इलेक्शन में भी कोई क्लियर कट मैंडेट ना मिले, पब्लिक वहां पे भी ऐसी रहेगी कि दो भागों में बटी होगी, कुछ लोग ऐसे जो मोदी को चाहते हैं बीजेपी को, कुछ लोग ऐसे जो 4-5 साल बीजेपी को ट्राई कर लेने के बाद ऊब गए हैं, ऐसे वोटर्स जो होते हैं फ्लोटिंग वोटर होते हैं, शिफ्टिंग वोटर होते हैं, और इन्हीं वोटरों के कारण इतनी बड़ी क्लीन स्वीप विक्ट्री जो है 2014 में हुई थी। अब यही वोटर जो 2014 में कांग्रेस वगैरह को छोड़ के बीजेपी के पास आए थे वो वापस चले जाएंगे,
तो वहां पे पता चला कि एकदम बॉर्डर लाइन का केस हो गया, फिर ढूंढने लगे मतलब समर्थन वगैरह, हाँ। जिसका समर्थन आया उन्होंने सरकार बना लिया, कोलिजन की गवर्नमेंट बनी, कहीं ऐसी कंडीशन ना हो जाए 2019 में। तो लेकिन जब जीत रहे थे बार एक एक कर धीरे धीरे सभी राज्य छीनते जा रहे थे कांग्रेस से, तब जो जीत का ठीकरा था वो मोदी के सर भी फूटा था, उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया और पार्टी ने भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं पर्सोनिफिकेशन पर ध्यान दिया था, एक ब्रांड फेस बनाने की कोशिश हुई थी, अब वक्त कम है पर्सोनिफिकेशन के लिए, अब जब हार रहे हैं तो उसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाए? देखिए उसका देखिए ये किसी पे भी फोड़े, ये तो स्टेट मिनिस्टर्स को फोड़ेंगे। देखिए मैं बोलूं आगे जाए या पीछे जाए बीजेपी, लॉस दोनों में है। 2019 के इलेक्शन में भी आप क्या समझती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह और शिवराज चौहान अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे? अगर उनके ऊपर ये ठीकरा फोड़ते हैं और वो अगर गुस्से में आ गए, नाराज हो गए, तब भी वहां 2000 के इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान होगा। मोदी जी के ऊपर फोड़ते हैं तब भी 2000 जो है 19 के इलेक्शन में होगा और योगी जी पे भी होगा। अब देखिए अब बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कुछ भी बताएं, लेकिन ये है पब्लिक और अपोजिशन समझती है, और अपोजिशन अटैक करने से पीछे नहीं हटेगी। अपोजिशन जैसे बीजेपी वाले राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए थे, वैसे ही अब देखिए जितने रिएक्शंस आ रहे हैं चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, सब डायरेक्टली हिट करेंगे मोदी जी को, क्योंकि सेनापति तो वही थे ना, तो जो सेनापति है रिस्पॉन्सिबिल वही होगा। आज के बाद से यानी 2-4 दिन के बाद से इंडियन पॉलिटिक्स इतने अट्रैक्टिव मूड में पहुंचेगा, इन लोगों की कैंपेनिंग, इन लोगों के अटैक, वार प्रतिवार, मुद्दे देखिएगा, इतनी हलचल मचेगी 2019 के इलेक्शंस तक कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी होगी 6 महीने, स्पेशली जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं या जो एनालिस्ट हैं उनके लिए। जी एक ही मिश्रा जी, अब राहुल गांधी की मेहनत को लेकर क्या कहेंगे? ये मेहनत है वो रंग लाई, क्योंकि आज से अगर 2017 11 दिसंबर का दिन याद करें, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली, इस पद को संभाला, एक साल के बाद आज जिस तरीके से एक के बाद एक जीत हासिल हो रही है। मैम देखिए पॉलिटिक्स में स्पेशली इलेक्शन में अगर देखा जाए, इलेक्शन और कैंपेन में चुनाव जीतना हो, मेहनत और एक्सपीरियंस का कोई मायने नहीं रखता है, हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों ने एक समझ लीजिए ऐलान सा किया है कि जो नीतियां भाजपा की हैं, चाहे वो केंद्र की नीतियां हो चाहे वो प्रदेश की नीतियां हो, जनता बदलाव चाहती है, और मैं समझता हूं कि जो केंद्र सरकार के परिणाम, केंद्र सरकार जो फैसले हुए हैं, खासतौर पे नोटबंदी का फैसला हो या अपना GST का फैसला है, वो हर वर्ग को उसने प्रभावित किया है। नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान के हर वर्ग को नुकसान हुआ, और यही GST की वजह से व्यापारियों को नुकसान हुआ, और जहां तक क्राइसिस फार्मिंग सेक्टर में है, जो रोष किसानों में है, तो देहात में बीजेपी को नुकसान हुआ। और मैं समझता हूं कि मोदी जी की लीडरशिप, लोग कह रहे थे कि मोदी जी एक ऐसे आइकॉन लीडर हैं कि जहां भी जाते हैं उनको वोट पड़ेगा, और हर जगह पे इनके अपने मुख्यमंत्री थे और हर जगह पे इनकी मैनेजमेंट थी, अमित शाह की मैनेजमेंट थी, बूथ मैनेजमेंट थी, और जितना पैसा भाजपा के पास है उतना किसी और पार्टी के पास है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने सारे षड्यंत्र इस्तेमाल कर लिए, लेकिन जनता फिर भी, जनता का जो रुझान है वो है कि अब बदलाव होना चाहिए, अब इन लोगों से तंग आ चुके हैं, और यही बदलाव की राजनीति आपको 2019 में दिखाई देगी। सर दो सवाल नतीजे के बाद उठ रहे हैं, एक जो कांग्रेस भरोसा जताएगी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, वो अनुभव को स्थान दिया जाएगा या युवा चेहरे को स्थान? देखिए पहले 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 परिणाम पूरे तरीके से आ जाएं, और जो बैठक होगी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक होगी, और फिर तय किया जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो उसके बारे में आज बात मेरे ख्याल करना उचित नहीं है। वो बात तब उठेगी जब जब बैठक होगी लेजिस्लेटिव पार्टी की, सभी पार्टियां इसे 2000
आपको ये कांग्रेस मुख्यालय के हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई जिसमें पटाखे चलाकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जहां एक वापसी की उम्मीद जताई जा रही थी कई सालों से, एक के बाद एक जिस तरीके से बीजेपी उन खेमों को हरा रही थी और राहुल गांधी का किस तरीके से इंतजार हो रहा है उसको बखूबी देखा जा सकता है तस्वीरों में, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि आज ही के दिन पिछले साल राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली और आज एक साल के बाद इसे सहयोग कहा जाए या फिर क्या कहना सही रहेगा एके मिश्रा जी, क्योंकि मेहनत के ऊपर हम जब चर्चा कर रहे थे कि क्या मेहनत रंग लाई है या फिर ये सहयोग है कि इस वक्त जनता त्रस्त हो गई थी उन मुद्दों से जो मुद्दे बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही थी और अपनी पीठ थपथपा रही थी। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं मगर आप मुद्दे देखेंगे ना तो हर इलेक्शन में मुद्दे वही होते हैं, बेरोजगारी, इनकम, ये सारे मुद्दे तो सेम है ना। राम मंदिर का भी मुद्दा हर बार वही होता है, क्योंकि लाइफ में जो प्रॉब्लम है इंडिया के लिए डेवलपमेंट वगैरह यही मुद्दे होते हैं। फर्क ये होता है, एक मैंने बोला कि वियर एंड टीयर होता है, आदमी कोई भी पब्लिक होती है वो मोनोटोनस नेचर को बार बार वही चीजें, वही नेता, वही वादे, वही इरादे, वही भाषण, तो आदमी चेंज चाहता है। तो सबसे बड़ा रोल ये यहाँ पे ये होता है, 2014 में भी यही हुआ था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं भाई। एंटी इनकम्बेंसी का फर्क असर क्या होता है, यही होता है कि आदमी चेंज चाहता है, चाहे कमी रही हो या ना रही हो। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आते ही बहुत जबरदस्त तरीके से विकास कर देगी या बीजेपी विकास कर देगी और पूरे देश को एकदम जो है सड़कें वगैरह सब सोने की हो जाएंगी। आप देखिए डेवलपमेंट वगैरह अपनी स्पीड पे चल रहा है, बेरोजगारी तब भी थी, 70 साल पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, परसेंटेज कम डाउन होगा। ये पॉलिटिक्स और इलेक्शन एक ऐसी चीज है, देखिए यहाँ पे मतदाता यानी ह्यूमन बीइंग जुड़े होते हैं, उनकी मनोभावना, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्योर क्वांटिटेटिव टेक्निक पे जो है होते हैं और आदमी के मनोभावों को, पॉलिटिकल मनोभावों को वो ठीक से कंसीडर नहीं करते हैं, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी घर से निकलता है वोट देने के लिए किसी और को और वहां पहुंचते पहुंचते 10 मिनट पहले भी अपना डिसीजन बदल देता है, किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देता है, एक दिन में डिसीजन बदल जाते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अभी जो चेंजेस आए हैं या चेंजेस आ रहे हैं, कांग्रेस को जो ज्यादातर सफलता मिली है वो इसलिए मिली है कि लोग बीजेपी के बहुत सारी चीजों से जो है उनका इंटरेस्ट या उनका मोह भंग हो रहा था, इसके कारण। देखिए कांग्रेस ने अगर स्ट्रेटजिक तैयारी की होती ना तो जो ये बॉर्डर लाइन से जीत रहे हैं ये क्लीन स्वीप में चले जाते। मैं अभी भी बोलूंगा कि बीजेपी के अंदर दक्षता, मैनेजमेंट, इलेक्शन और इनकी बहुत जबरदस्त है, तभी वो इतने जबरदस्त तरीके से टिके हुए हैं एक मजबूत विपक्ष की तरह। नहीं तो कांग्रेस तो 2014 में टोटली साफ हो गई थी, आप ये देखिए 40-45 सीट पे ही आ गए थे। तो इतनी बड़ी, मतलब देखिए इतना सब कुछ होते हुए भी इतने अच्छे तरीके से विपक्ष के रूप में उभरना भी अपने आप में बीजेपी की रणनीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ये दोनों को ही देखना चाहिए। ठीक है, देखिए मिश्रा जी, जिस तरीके से दो आर्थिक नीतियों को लेकर केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, नोटबंदी का जिक्र कर रहे हैं, जीएसटी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों को, किसानों को नाराजगी जो हुई है उसका नुकसान है ये आफ्टर इफेक्ट्स। मैम डेफिनेटली देखिए उस वक्त भी मैंने ये बोला था कि इमीडिएट अगर आप देखेंगे ना तो जो एक थ्रिलिंग नेचर होता है ह्यूमन बीइंग का, यूपी इलेक्शन में ये बोला जा रहा था कि मतलब नोट बंद करके इन्होंने वोट ले लिया, सीना थपथपाने वाली बात। उस वक्त भी मैंने बोला था 4-6 महीने जब तक आपके पास सैलरी बैंक में बची है तब तक आप ये चीज सोचेंगे थ्रिलिंग नेचर के कारण, लेकिन जब फैक्ट्री, कारखाने ये सब बंद होंगे, आपके जेब पे असर पड़ेगा कॉमन पब्लिक के, तब फर्क नजर आएगा। इस वक्त आप प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ कि जो वादा उन्होंने किया है उसको निभाएं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 15 साल इस छत्तीसगढ़ की सेवा करने का अवसर मिला, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और इसके लिए प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बेस्ट हो सकता था उसको करने का काम हमने किया और छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है उन नीतियों का क्रियान्वयन करने का अवसर मिला। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूँ कि जब हम 3 बार चुनाव जीते थे उस चुनाव जीतने की मुख्यमंत्री के नाते मुझे क्रेडिट मिला था, तो आज यदि हम चुनाव हारे हैं तो उसकी नैतिक जवाबदारी भी डॉक्टर रमन लेता है और इसके लिए मैं जवाबदार हूं। इसके साथ ही साथ हम अपनी विपक्ष की एक सशक्त भूमिका जो हम छत्तीसगढ़ की जनता को, जनता के साथ मिलकर 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, 15 साल जो हमने काम किया, अब एक नई भूमिका में
उतने ही प्रखरता से उतनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का जो अवसर मिलेगा उस पर हम छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करेंगे। और सभी को मैं इस अवसर पर जिन्होंने इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का जितना प्रेम जितना सहयोग जितना समर्थन मिला मैं जीवन भर काम करता रहूंगा तो उस ऋण से मैं उलझ नहीं हो सकता। सर 15 साल डेवलपमेंट मॉडल लेकर आप लोगों के बीच पहुंचे थे, आखिर चूक कहां रह गई, कुछ इसकी समीक्षा पार्टी ने किया? इसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका एनालिसिस हम लोग बैठ के पार्टी के अंदर बैठेंगे। जो हमारे इलेक्शन कैंपेनिंग में जितने लोग लगे थे, जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सरकार में जो लोग थे, सबके साथ बैठेंगे और इसकी चर्चा करेंगे कि कमी रही तो कहाँ रही और उसको आगे कैसे हम ठीक करेंगे। आपने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि डबल एंटी इनकम्बेंसी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसी की वजह से राज्य सरकार का चुनाव होता है। राज्य सरकार की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, राज्य सरकार के कार्यक्रम के आधार पर लड़ा जाता है। इसलिए राज्य सरकार अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ी, अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ते हैं, जिसमें ये कोई दिल्ली का चुनाव नहीं। दिल्ली का चुनाव 2019 को होगा, फिर उतने ही मजबूती से हम लड़ेंगे। सर कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या ज्यादा अट्रैक्टिव रहा, घोषणा पत्र को लेकर हर समय बात आई थी। अब क्या विषय था इसके लिए, आज उस सारी बातों का एनालिसिस मैं नहीं कर सकता जब तक हम लोग बैठ कर इन सारे बिंदुओं पर विचार करें। पार्टी हाईकमान को इसके बारे में कुछ जान, पहले हम बैठेंगे बात करेंगे, उसके बाद हाईकमान से। 2019 के इलेक्शन पे कुछ बेयरिंग पड़ेगा लोकसभा में इसका क्यों असर पड़ेगा, क्योंकि हम स्थानीय मुद्दे पे लड़े थे। जब प्रधानमंत्री चुनने का अवसर आएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो उसमें एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव होता है। उस संदर्भ में फिर मोदी जी के सामने कौन खड़ा है, कौन प्रधानमंत्री का दावेदार, उस आधार पर मतदान होगा। अब बहुत सारे कारण हैं, आज उस कारण के एनालिसिस नहीं। मैंने एक बात की जानकारी और देना भूल गया था, उसको बता दूं, मैंने राज्यपाल महोदय को अपना मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा प्रेषित कर दिया। एक सवाल ये है, थैंक यू। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना रमन सिंह किस तरीके से हार का अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, और क्योंकि 15 सालों से रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा बीजेपी ने और इस वक्त हार गई है। भगवा राज खत्म हो गया है छत्तीसगढ़ में, क्या मानते हैं कि मिश्रा जी, क्योंकि खुद कह रहे हैं रमन सिंह के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है, राज्य का विधानसभा चुनाव राज्य सरकार की योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए होता है। का नगर निकाय का चुनाव जीतते हैं तो उसके लिए क्रेडिट जाता है मोदी जी को। अब 3-4 स्टेट का इलेक्शन हार गए तो बोल रहे इससे 2019 का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी में नगर निकाय नगर निगम का इलेक्शन जीत गए तो उसको इनकैश कराते हैं, गुजरात और सारी जगह में बोलते हैं कि ये 2019 के जो है चुनाव का ये एक झांकी है, हम फिर इसी तरीके से 2019 में जीतेंगे, खुद इन्हीं लोगों के स्टेटमेंट है। तो अब ये तो डैमेज कंट्रोल हो रहा है कि कैसे इस चीज से बचाया जाए कि ये सारे छींटे जो है मोदी जी जैसे एक सुपर ब्रांड, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया बीजेपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये आ गई है ना कि 6 महीने में दूसरा मोदी ये कैसे तैयार करे। तो इनके पास ऑप्शन यही है कि मोदी का जो एक मैग्नेटिज्म है, जो जादू है, उसको बरकरार रखे। देखिए मोदी जी अभी तक आकर के इन्होंने किसी को बधाई नहीं दी है, मोदी जी 2-3 दिन के बाद आकर के बधाई देंगे, मजबूरी है उनकी देना, जनता को बधाई देंगे और बोलेंगे कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मोदी जी अभी तक आकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो डिफेंसिव मूड पे है डेफिनेटली। अगर 2-3 जगह हारे हैं तो पूरा आप आरएसएस देख लीजिए, पूरा बीजेपी देख लीजिए, टॉप टू बॉटम सारे लीडर जो हैं वो डिफेंसिव मूड पे हैं। उनके पास लॉजिक नहीं है कि वो क्या लॉजिक दें कि हम क्यों हार गए। अगर एमपी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एसपी और बीएसपी का रुख किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए मध्य प्रदेश, देखिए 2-3 जगहों पे मैं आपको बताऊं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बीजेपी की इतनी खराब परफॉर्मेंस का हो सकता है बीजेपी ने इतना सीरियसली ना लिया हो जो अदर्स यानी इंडिपेंडेंट जो खड़े थे। उसके बाद अजीत जोगी, देखिए अजीत जोगी पिछली बार इलेक्शन में शायद कांग्रेस का चेहरा थे और बहुत अच्छा उन्होंने वोट बैंक जो है मेंटेन किया था, 4-5% का गैप था, वो उन्होंने वो जो है जो वोट काटे, जो वोट शिफ्ट हुआ, प्लस कुछ अपना 4-5% आप देख लीजिए जो बीजेपी से चेंज चाहते थे। ऐसे ही आप एमपी का हुआ और ऐसे ही आपका राजस्थान का हुआ। जो अदर्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं या जो दूसरी पार्टियां हैं, सपाक्स वगैरह भी जो रोल आ गई थी, ये छोटे छोटे करके इन्होंने जो वोट काटे उसके कारण ये बीजेपी को लॉस हुआ, प्लस बीजेपी की अपनी जो कमियां थी या एक टाइम के कारण जो मुद्दे जो है प्रभावहीन होते चले जाते हैं, पार्टियां प्रभावहीन होती चली जाती हैं। मिश्रा जी अभी छत्तीसगढ़ में पीएल पुनिया
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कह रहे हैं इस जीत को लेकर वो सुनाते हैं। बात करने उचित नहीं है और वो शुरुआत इन नतीजों से हो चुकी है। लेकिन सर अब ये देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व में एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, 27% आदिवासी, 13% के आसपास दलित। क्या जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है या लगातार राहुल जी किसानों के साथ जो खड़े रहे, कर्ज माफी की बात करते रहे, वो क्लिक किया? देखिए कई चीजों का प्रभाव, राहुल जी भी प्रभावित रहे, बहुत प्रभावित रहे, किसानों को रोष भी था के पास भ्रष्ट अधिकारियों की जमात उनके पास थी, षड्यंत्रकारियों का एक पूरा फौज उनके पास था, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता ने जो निर्णय दिया है वह ऐतिहासिक है और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को माननीय राहुल जी को कि उन्होंने हमें भरपूर समय दिया, मार्गदर्शन दिया और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनिया जी जैसे सरीखे अनुभवी व्यक्ति को हमारा मार्गदर्शन के लिए भेजा, प्रभारी बनाया और उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले अरुण उरांव जी और चंदन यादव जी जैसे उनके सहयोगी सचिव मिले। मैं सभी हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेताओं का भी को भी धन्यवाद देता हूं कि सब लोगों को लेके आदरणीय पुनिया जी के मार्गदर्शन में हम सब काम किए। साथ ही जितने भी हमारे प्रशिक्षण देने वाले साथी हैं उन्होंने कार्यक्रम बनाया, प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाई और बूथ लेवल पे जाकर काम किया। बूथ बनाने का काम भी पहली बार हमने राष्ट्रीय महासचिव को करते हुए देखा और वही कार्यकर्ता जो जोन में, सेक्टर में, बूथ में जो प्रशिक्षण दिए थे वो कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी के 65+ कि चुनौती को उन कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया और अमित शाह को, नरेंद्र मोदी और रमन सिंह की पूरी टीम को धूल चटाने का काम हमारे मैदानी कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं इन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो लीगल सेल के लोग हैं खूब मेहनत किए हैं, नाको चना चबा के रखे थे, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खूब साथ आपने दिया, विपरीत परिस्थिति में साथ दिया, आपात स्थिति से भी बदतर स्थिति रही है उसके बाद भी मीडिया के साथियों ने साथ दिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अभी हम सेमीफाइनल जीते हैं, फाइनल भी हम जीतेंगे राहुल जी के नेतृत्व में, 2019 मोदी सरकार फिनिश, ये नारा लेके हम 2019 में जाएंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय पुनिया जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और ये ऐतिहासिक पल है। प्रजातंत्र की, जनता की आवाज़, उसकी परीक्षा की घड़ी थी और हर एक को उत्सुकता थी, आपको भी उत्सुकता थी, हमें भी सबको उत्सुकता थी, दिल्ली में बैठे लोग, हिंदुस्तान में अन्य जगह बैठे लोग सब इस उत्सुकता में थे कि 5 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं और आज 11 तारीख को काउंटिंग होनी है, क्या निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह
बना के रखती हैं या जनता बदलाव के लिए अपना वोट देती है, ये सब उत्सुकता थी। आज नतीजे सबके सामने और सभी ने ये एहसास किया कि जनता जब तय करती है तो उनके सामने ना धन ना सत्ता बल या दारू या रिश्वत या सिफारिश, कोई लोभ लालच कोई नहीं सामने टिक पाता और अपना फैसला दे देती है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो नतीजे आए हैं वो सबके लिए एक मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। ये जनादेश जो दिया है उस जनादेश को हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं, ये हमको अधिकार नहीं दिया बल्कि एक कर्तव्य की भूमिका में रखा है, एक ड्यूटी हमको असाइन की है कि आपको हमने, ये हमारा एजेंडा है, उस एजेंडा पर हम आपको शासन करने का अधिकार देते हैं। हमने तो आपने साफ देखा किस तरीके से कहा जा रहा है मोदी फिनिश 2019, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा था और जिस तरीके से कांग्रेस ने कमबैक किया, एक वापसी की, एक के बाद एक हार का मुंह देखने के बाद किस तरीके से कॉन्फिडेंस अप हुआ है कांग्रेस का, वो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल रहा है। कि मिश्रा जी देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखा जाए मैम तो दो तीन चीज और है। अब जैसे बीजेपी वाले बोल रहे थे नहीं इसका 2019 से कोई मतलब नहीं है, स्टेट इलेक्शन है, कांग्रेस अटैकिंग मूड पे आ गई है, बोल रहे हैं ना 2019 और जो है बीजेपी फिनिश, और वो ये बोल रहे हैं क्लियर कट कि ये, और देखिए आरोप कैसे लगा रहे हैं कि रुपया पैसा धन बल दारू वगैरह कहीं कोई चीज काम नहीं आती है। तो अब देखिए 2019 का आगाज हो गया, भले ही बीजेपी ये कुछ भी बोले, समझ में उनको भी है, वो भी इस चीज को मानते हैं कि ये 2019 के मतलब एक तरीके से शुरुआत हो गई और उनको जो है बड़ी मुश्किल टाइप का लग रहा है कि कैसे मैनेज करें। मैंने इसीलिए बोला था आगामी 4-6 महीने भारतीय पॉलिटिक्स में जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो राजनेता हैं, जो इस फील्ड से इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ही डायनामिक होगा, उसको स्टडी करना, एनालाइज करना अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड ये गुजरेगा। और अभी देखिएगा कैसे अब कांग्रेस इतना एग्रेसिव होगी, ये दोनों लोग जाकर के कहीं ऐसा ना हो 2019 में एक हंग पार्लियामेंट टाइप की कंडीशन बन जाए, क्योंकि दोनों लोग ही एग्रेसिव होंगे तो रिजल्ट ऐसे ही बॉर्डर लाइन का फिर आने का जो है सवाल वहां पे मुझे लगता है कि कहीं वो फिर से ना पैदा हो जाए। तो ये मान लिया जाए कि मोदी वेव के आगे राहुल के सुनामी जीत गई है। मोदी देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मोदी वेव के आगे ठीक है ये माना जाएगा और ये विपक्ष वाले बोलेंगे, कांग्रेस वाले बोलेंगे, लेकिन मैं फिर बोलता हूं बड़ा बारीक सा लेटेंट वे में देखिए पर्दे के पीछे क्या है। राहुल गांधी या कांग्रेस इसलिए नहीं जीते कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो इसलिए जीते हैं क्योंकि बीजेपी ने गलतियां कर दी। ऐसे ही बीजेपी जो थी वो इसलिए जीती थी कि कांग्रेस ने गलतियां की थी, या जीतती जो जा रही थी वो कांग्रेस की गलतियों के कारण उससे ज्यादा फायदा उठा रही थी। तो ये पॉलिटिक्स का एक बड़ा स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि आप जीतते हो तो अपनी अच्छाइयों के कारण कम जीतते हो, अपने विपक्ष या दूसरे पार्टी की बुराइयों या कमजोरियों या गलतियों के कारण आप ज्यादा जीतते हो। और इसी बात को स्वीकारा था प्रधानमंत्री मोदी ने जब राजस्थान में रैली करने के लिए पहुंचे थे मंच पर, उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि जनता हमसे नाराज है लेकिन आप मुझे वोट दीजिए, वसुंधरा राजे का भी जिक्र नहीं किया। उसका एक रीजन है, वो तो एक उनका स्ट्रेटेजिक दांव था ऐसा स्टेटमेंट कि देखिए ये उनको भी पता था कि वसुंधरा राजे से लोग नाराज है, तो अब वहां पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि वसुंधरा राजे को रिप्लेस कर दिया जाए मोदी से, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई आप लोकल मुद्दों को भूल जाइए, नेशनल मुद्दों को दीजिए, मैं हूं, मैं आपका काम करूंगा। लेकिन होता क्या है, बॉन्डिंग का जो है एक फार्मूला होता है, जो आपके घर में है आपके बगल में है आप उनको नहीं भुला सकते हो, और इसी का रीजन है। देखिए मोदी फैक्टर भी कुछ ना कुछ काम किया है तभी ये इतना अच्छा वोट बैंक लेके आज बैठे हुए हैं नंबर ऑफ सीट्स। अगर मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर भी नहीं होता तो ये बहुत बुरी तरीके से चले जाते, सुपड़ा साफ हो जाता है या बहुत कम सीटें आई। तो देखिए योगदान दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि मोदी और योगी का योगदान नहीं है। इतना अच्छा और हेल्दी विपक्ष बना के रखना अपने आप में ये मोदी योगी और RSS का जो स्ट्रेटेजिक रणनीति है, जो संगठन है, उसकी क्षमता के कारण है। अदरवाइज कोई और पार्टी होती
होती तो वो साफ हो गई होती। चले एके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी फिलहाल मेरे साथ सेमीफाइनल 2019 से इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सूर्य समाचार पर लगातार इलेक्शन कवरेज जारी है। आप बने रहे सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।